सीटी आरक्षण के नहीं होगा स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव। प्रदेश सरकार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा करवाएगी। उपलब्ध पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने दी जानकारी। मंगलवार को जनपद के 5 सरकारी अस्पतालों सहित नंदानगर स्थित टीवी अस्पताल पर मॉक ड्रिल कर किया गया कोरोना से जंग की तैयारियों की समीक्षा। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा 108 बिंदुओं पर तैयारियों की कसौटी पर पूरी की गई रिहर्सल। मॉक ड्रिल के बाद रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अस्पतालों में उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं की कमियों को किया जाएगा दुरुस्त। गौ तस्करी करने वाले 50,000 के इनामी अभियुक्त तौसीफ आलम को गोरखपुर के एसटीएफ इकाई की टीम ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल, 1 आधार कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 रेलवे टिकट, 230 रुपया नकद किया बरामद, भेजा जेल। रविवार की रात युवती ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र का एसएसपी ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों की तहरीर पर किया गया मुकदमा पंजीकृत, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। अपने साथी को दावत के बहाने बुलाकर हत्या करने वाले काजन मिश्रा उर्फ विशाल मिश्रा व उसके अन्य 3 साथियों मुन्ना उर्फ दिनेश, शैलेंद्र यादव, प्रदीप कुमार के ऊपर कोतवाली थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी सिटी ने दी जानकारी। मारपीट व धोखाधड़ी करने वाले गैंग लीडर समेत 4 अपराधियों प्रशांत कुमार भारती, रियाजुद्दीन, अचलाल और अमित कुमार के ऊपर चौरी चौरा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एएसपी सीओ चौरी चौरा ने दी जानकारी। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड दिल्ली के निर्देश पर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने महानगर के कई जगहों पर पॉलीथीन के खिलाफ चलाया अभियान। प्रतिबंधित पॉलीथीन को किया गया जब्त, काटे गए चालान, वसूला गया जुर्माना। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में अटल भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में कई कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर अटल जी के जीवन पर सुनाई कविता। प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को किया जाएगा सम्मानित। गोविंद सिंह के चारों साहबजादे एवं माता गुर्जर कौर की शहीदी को समर्पित जटाशंकर गुरुद्वारे में कीर्तन का किया गया आयोजन। चारों साहबजादों का किया गया वर्णन। और नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड की महिला वार्डनों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 30 महिला वार्डनों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा निस्वार्थ सेवा भाव से नागरिक सुरक्षा के हर सदस्य आपदा व सामाजिक गतिविधियों में निरंतर प्रदान करते रहते हैं अपना सहयोग।